हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। OpenAI ने चैट जीपीटी के ऑफिशियल ऐप को आईफोन और iOS डिवाइसेस के लिए लॉन्च कर दिया है। इसके साथ ही OpenAI ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि चैट जीपीटी का एंड्रॉइड वर्जन हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। लेकिन इस अनाउंसमेंट में फिलहाल एंड्रॉइड ऐप के लॉन्च डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। चैट जीपीटी ऐप फिलहाल iOS प्लेटफॉर्म पर इंडिया के साथ 45 और कंट्रीज में अवेलेबल है और बाकी के कंट्रीज में भी OpenAI इसे धीरे धीरे रोल आउट कर रहा है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे हम iPhone और iOS डिवाइसेस पर चैट जीपीटी ऐप को यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी ऐप को iOS डिवाइसेस पर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डिवाइस पर ऐप स्टोर को ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ सर्च बार पर चैट जीपीटी टाइप करके सर्च करना है और आपको OpenAI चैट जीपीटी द ऑफिशियल ऐप बाय OpenAI को ढूंढना है। चैट जीपीटी का ऑफिशियल ऐप कुछ ऐसा सा OpenAI के लोगो के साथ आपको देखने को मिलेगा। आप ये भी इंश्योर कर ले कि ऐप के साथ दिए गए ये कुछ स्क्रीनशॉट अटैच्ड है उस ऐप पर जिस ऐप को आप इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे आपको काफी सारे सिमिलर ऐप्स मिल जाएंगे जो कि चैट जीपीटी ऐप होने का दावा करते हैं। और फाइनली इंस्टॉल बटन पर टैप करके आपको यहाँ ऐप को अपने आईफोन या आईपैड पर जो कोई भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं इस पर इंस्टॉल कर लेना है। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आप ये इंश्योर कर ले कि आप iOS 16 या फिर iPadOS 16 यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप iOS के प्रीवियस वर्जन पर हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐप यहाँ इंस्टॉल नहीं होगा। ऑलराइट, सो जैसे ही ऐप इंस्टॉल हो जाए ओपन पर टैप करके आप ऐप को यहाँ लॉन्च कर सकते हैं। एंड देयर यू गो, हम ऐप के अंदर आ चुके हैं एंड श्योरली ये डेस्कटॉप वर्जन से काफी कलरफुल लग रहा है। अगर आपने चैट जीपीटी के अकाउंट को क्रिएट नहीं किया है तो आप अपने लिए यहाँ एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप ये कर चुके हैं तो आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट पर लॉग इन करके यहाँ कंटिन्यू बटन पर टैप कर सकते हैं। एंड बैम, ये हम आ चुके हैं चैट जीपीटी के iOS ऐप के अंदर। अब अगर आपके पास चैट जीपीटी प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो ऊपर आपको जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4 को चूज करने का चॉइस आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आपने चैट जीपीटी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप जीपीटी 3.5 पर सीधे कुछ इस तरह से रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आपको ऊपर कोई भी चॉइस देखने को नहीं मिलेगा। अब फाइनली क्वेश्चंस को यहाँ टाइप करके आप चैट जीपीटी से अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हैं और आप अपने ऐप एक्सपीरियंस को एंजॉय कर सकते हैं। ऐप पर अब नए फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ बॉटम राइट कॉर्नर पर स्पीच रिकॉग्निशन का आइकन देखने को मिलता है। इसे OpenAI ने जीपीटी विस्पर का नाम दिया है और ये अमेजिंगली एक्यूरेट है। ये आपके वॉइस कमांड्स को बहुत ही अच्छे से रिकॉग्नाइज करके आपके लिए आंसर्स प्रेजेंट कर देता है। अब अगर आपको यहाँ कोई भी एडिशनल सेटिंग्स या प्रेफरेंसेस को ढूंढना है तो आपको टॉप राइट कॉर्नर पर आ रहे 3 डॉट्स पर टैप करना है और फिर सेटिंग्स पर चले जाना है। यहाँ से आप चैट जीपीटी ऐप के प्रेफरेंसेस या सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके साथ ही चैट जीपीटी प्लस सब्सक्राइबर्स को डेस्कटॉप वर्जन पर जीपीटी प्लगइन्स देखने को मिलता है। वही सेम फीचर आपको यहाँ बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था आपके लिए चैट जीपीटी iOS ऐप और इस तरह से आप अपने iOS डिवाइसेस पर इसे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। फॉर मोर सच हाउ टू वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।